हेलो, वेलकम बैक टू मुंबई ट्रेवल्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा। इंटरनेशनल में मॉलडीव्स का फ्लाइट अभी स्टार्ट हुआ है, बट कंपलसरी है सेकेंड डोज और 14 डेज होना चाहिए। सेकेंड डोज होने के बाद भी 14 डेज होना जरूरी है। वैक्सीन नहीं लिया वो आप ले लीजिएगा, क्योंकि अभी आगे आने वाले डेट में इंटरनेशनल या डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। दुबई अभी फिलहाल बंद है, लोग जा रहे हैं जिसको अर्जेंट है, जहाँ पे वहाँ पे उनका जॉब है, यहाँ पे आके स्टक हुआ है, वो लोग वाया कतर और मालदीव्स जा रहे हैं। वहाँ पे 14 डेज का क्वारंटाइन करके 15 डेज में वहाँ के लिए जा रहे हैं, तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। कुछ 1,50,000 समथिंग पड़ता है। कोई कोई कस्टमाइज करके भी जाता है कि उनको 1.25 लाख तक पड़ जाता है, बट वो भी अगर अर्जेंसी रहेगा तो ही जाइएगा, नहीं तो मे भी हो सकते हैं अभी अगस्त 5 से स्टार्ट करेंगे फ्लाइट। बाकी दूसरा रशिया ओपन है, रशिया जा सकते हो आप, और उनका वीज़ा आपको अभी फिलहाल के लिए कुछ 10-15 डेज लगता है वीज़ा के लिए। ऑनलाइन वीज़ा नहीं है, ये स्टिकर वीज़ा है। बाकी सारे इंटरनेशनल बंद है, स्टूडेंट्स के लिए जा सकते हैं, फ्लाइट चालू है और उनका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। और दूसरा अभी फिलहाल कोई भी इंटरनेशनल स्टार्ट नहीं हुआ, बट स्विट्ज़रलैंड यूरोप का थोड़ा बहुत कंट्री स्टार्ट हुआ है, बट अभी फ्लाइट अभी फिलहाल चालू नहीं किया है। दूसरी बात करते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट का। डोमेस्टिक फ्लाइट में क्या है, अभी फिलहाल हर एक स्टेट अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि उनका हर डेली बेसिस पे चेंज होता है, तो आप वो चेक करके जाइएगा। अभी फिलहाल डोमेस्टिक में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया, कल रूल्स फिर से चेंज हो जाएगा, इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन दे के मतलब नहीं है। अभी आप जब भी टिकट करते हो, आप एक दो या तीन दिन पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आरटीपीसीआर की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ता। अभी लोकल के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम है, हिल स्टेशन वगैरह बंद कर दिया, हिल स्टेशन लाइक वाटरफॉल वगैरह वहाँ पे जाने नहीं दे, लोनावाला में भी वाटरफॉल के वहाँ पे जाने नहीं देते, वहाँ पे भी सब बंद करके रखा है। आप कहीं पे भी आप जा रहे हो, व्हीकल लेके जा रहे हो, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा वहाँ पे चालू या नहीं है, क्योंकि डेली इंटरनेशनल मैंने बताया आपको मालदीव्स और रशिया ओपन है, मालदीव्स ओपन है, आप जा सकते हो। वीज़ा मालदीव्स का वीज़ा ऑनरेबल है और रशिया का वीज़ा 10-15 डेज लगता है। आप नियर आपका कोई भी ट्रैवल एजेंट है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे का वीडियो के लिए।